सिंगरौली में विभिन्न संगठनों ने विंध्य प्रदेश बनाए जाने की मांग की है। संगठनों का कहना है कि विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए विंध्य प्रदेश बनाया जाना जरूरी है। विंध्य क्षेत्र की अनदेखी लगातार की जा रही है, जिसके चलते इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। विंध्य प्रदेश बनाए जाने की मांग लगातार उठ रही है। सिंगरौली में सामाजिक कार्यकर्ता विजय लक्ष्मी शुक्ला, सपाक्स नेता जितेंद्र दुबे और भाजपा के युवा नेता ददौली शाह ने पृथक विंध्य प्रदेश बनाए जाने की मांग की है। विजय लक्ष्मी शुक्ला का कहना है कि रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया सहित कुछ क्षेत्र पन्ना जिले का मिलाकर पृथक विंध्य प्रदेश बनाया जाए, जिसकी राजधानी रीवा व उपराजधानी औद्योगिक नगरी होने के कारण सिंगरौली को बनाया जाए। सिंगरौली जिले के प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए डीएमएफ फंड में आ रहे हैं, जिसका 75% मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल चला जाता है और 25% ही इस जिले में उपयोग हो पा रहा है। पृथक विंध्य प्रदेश बनाकर यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाया जा सकता है और क्षेत्र का विकास भी होगा। गौरतलब है कि हाल ही में मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी पृथक विंध्य प्रदेश बनाए जाने की मांग की थी। इसके पहले स्वर्ण समाज पार्टी के नेता और पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी सहित कई नेताओं ने विंध्य प्रदेश बनाए जाने की मांग की थी। ये सारा रेवेन्यू, ये सारे जो फंड्स हैं, तो हमें ये लगता है कि हमारे प्रदेश में खर्च होंगे, हमारे क्षेत्र में खर्च होंगे, जो कि यहाँ के शिक्षा को मजबूती मिलेगी, शिक्षा के विकास को मजबूती मिलेगी, स्वास्थ्य को के स्तर पर सुधार होगा और अन्य कई ऐसे क्षेत्र। वुमेन एम्पावरमेंट को देखा जाए तो आज बड़ा अफसोस तब होता है कि इतना बड़ा रेवेन्यू होने के बाद, इतना बड़ा इंफ्रा होने के बावजूद भी जब नीति आयोग की रिपोर्ट आती है तो हमारा प्रदेश, विशेषतः विंध्य क्षेत्र, पिछड़े स्तंभों में गिना जाता है, पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता है। आप सभी साक्षी हैं किए गए आंदोलन पर कि हम एक दिन इस पर सफलता भी प्राप्त करेंगे, किंतु राजनीतिक दल के नेता इसको राजनीतिक तरीके से मोटिवेट करके और राजनीतिक तरीके से अपने निजी स्वार्थ के लिए का जरिया बनाना चाहते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।